देश के हर नगर और जिले में अपनी धरोहरें हैं। ये धरोहरें किसी भी रूप में हो सकती हैं, जैसे भारत में मंदिर। मंदिर अपने देश की आत्मा में बसते हैं। यह देश में सनातन की दिव्यता और ईश्वर के प्रति आस्था के प्रतीक हैं। अपने वैभवशाली इतिहास की संपन्नता और शिल्पकारों की मेहनत के प्रदर्शक भी मंदिर ही हैं। यहाँ स्थापत्य कला का खजाना देखने को मिलता है। भारत वैश्विक पटल पर अपना महत्व सुनिश्चित करता है क्योंकि यहाँ के मंदिर विशेष हैं। स्थापत्य कला की प्रस्तुति देने में मध्य प्रदेश का उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज इसी के ऐतिहासिक एवं पौरातात्विक महत्व को जानने हम सीधे जा रहे हैं उदयपुर। विदिशा जिले की तहसील गंज वासुदा से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित इस ग्राम में शिल्पकारों की हस्तकलाओं की बेहतर प्रस्तुति देता हुआ नीलकंठेश्वर मंदिर मौजूद है। इसका निर्माण काल सन 1059 से 1080 के बीच माना जाता है। पूर्णतः लाल पत्थर से बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर को समझने के लिए इसे विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। जैसे हम मंदिर में बाहर पश्चिम की ओर आते हैं तो मंदिर में नीचे से ऊपर जाते हुए हमें अधिष्ठान, जगती, शिखर, आमलक और कलश इत्यादि दिखाई देते हैं। वहीं पूर्वी भाग में मंदिर को आगे से देखें तो इसमें अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, ग्रीवा और कलश बने हुए हैं। लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना नीलकंठेश्वर मंदिर नागर शैली की उपशैली भूमिजा में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर परिसर में पंचायतन शैली भी देखने को मिलती है। गर्भगृह के आसपास 4 अन्य देवताओं के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। हालांकि ये मंदिर मुख्य मंदिर से थोड़े छोटे हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार भी बने हुए हैं। इन पर उकेरी गई कलाकृतियाँ और प्रतिमाएं बेहद ही सुंदर हैं, जो आपके मन को मोह लेंगी। नीलकंठेश्वर मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले शिवलिंग पर पहुँचती है, उसके बाद मंदिर के किसी अन्य भाग में बह जाती है। इस मंदिर के बारे में एक किंवदंती काफ़ी प्रचलित है। लोग बताते हैं कि यह मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जब मंदिर बनाकर व्यक्ति नीचे उतर रहा था तभी सुबह हो गई और किसी ने चक्की चला दी। इसका परिणाम ये रहा कि वह व्यक्ति उसी स्थान पर पत्थर कर बनकर रह गया और वो व्यक्ति आज भी वहीं मौजूद है। हालांकि ये सिर्फ किंवदंती ही है। इसके बारे में जब हमने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास जी से बात की तो उन्होंने बताया कि असल में मंदिर के ऊपर बैठा वह व्यक्ति ध्वजवाहक है। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के मन में शंका है कि जो शिखर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है उससे कुछ उन्होंने पूछा कि कुछ जानकारी इसकी होती होगी, लेकिन वो चीज़ ये है, उसको हम ध्वज पुरुष कहते हैं जिसमें हमें झंडा लगाया जाता है। तो मनुष्य ध्वज पुरुष को बनाना गया, एक अलग कृत्य मनुष्य बनाया है जिसके हाथ में ध्वज होता है जो शिव मंदिर को होता है, और शिव मंदिर में हमें लाल झंडा लगता है। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर जब निर्मित हुआ उस समय मध्य भारत में परमार वंश का शासन था। परमारों ने अपने 5 शताब्दियों के इतिहास के बारे में तत्कालीन राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से दी है। इतिहास में रुचि रखने वाले एवं वर्तमान में स्वराज संस्थान के उपनिदेशक संतोष कुमार वर्मा की रिसर्च के अनुसार परमारों के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख अभिलेख उदयपुर प्रशस्ति के कुछ अंश की मौजूदगी नीलकंठेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है। वह बताते हैं कि उदयपुर प्रशस्ति परमार वंश की उत्पत्ति से लेकर उदयादित्य तक परमार वंश की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। अभिलेख का एक हिस्सा नीलकंठेश्वर मंदिर में खंडित प्रस्तर शिला पर उत्कीर्ण है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि
ग्यारहवीं सदी की नागरी लिपि है। इस मंदिर में कई और अभिलेख भी मौजूद हैं जिनका अपने आप में बेहद महत्व है। नीलकंठेश्वर मंदिर में मुख्य मंदिर के बाहर और अंदर अनेक प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनमें शिव पार्वती संवाद की प्रतिमाएं, भगवान गणेश, नटराज, देवर्षि नारद, चामुंडा देवी, महिषासुर मर्दिनी, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, सात घोड़ों के रथ पर बैठे भगवान सूर्यदेव, प्रजापति दक्ष, अक्षराएं, नवग्रह सहित अन्य प्रतिमाएं मिलाकर बाहर ही लगभग 60 से अधिक प्रतिमाएं यहां मौजूद हैं। वहीं मंदिर के अंदर भी और भी प्रतिमाएं हैं। मंदिरों में हमने देखा है कि आमतौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा ही देखने को मिलती है, लेकिन इस मंदिर में भगवान गणेश के स्त्री स्वरूप की प्रतिमा भी बनी हुई है जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। धर्म ग्रंथों की माने तो प्रत्येक दिशा में एक देवता नियुक्त है जिन्हें हम दिक्पाल कहते हैं। इसी के आधार पर नीलकंठेश्वर मंदिर में दिशाओं के अनुरूप देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं। इसमें पूर्व दिशा को हमें पहचानना तो पूर्व दिशा में इंद्र की मूर्ति मिलेगी, उसके वाहन एरावत मिलेगा। पश्चिम में हमें वरुण में देखने को मिलेंगे, उनका वाहन मकर मिलेगा। उत्तर में देखें तो कुबेर की मूर्ति मिलेगी और उसका वाहन जो है गज होता है वो मिलेगा। और पूर्व में होते हैं इंद्र की, इंद्र का एरावत जैसे मैंने बताया। और दक्षिण दिशा जो होती है उसके अंदर हमेशा यम की मूर्ति मिलती है। तो चार दिशाओं के अलावा जो चार कार्डिनल प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें सबसे होता है उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व में ईशान देवता होते हैं जो शिव के रूप होते हैं। और दक्षिण पूर्व होते हैं उसमें अग्नि की मूर्ति होती है जिसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम के अंदर नैऋत्य होती है, जो भैरव जी का स्वरूप होता है वो नैऋत्य होते हैं। और पश्चिम और इसमें उत्तर में हमेशा वायु की मूर्ति होती है, वायु देवता के, इनका वार हिरण होता है और हमेशा ध्वज पताका इसमें होती है। इस प्रकार की आठ प्रकार की जो मूर्तियाँ अष्टदिक्पाल की होती है उसे मंदिर का हमें जानकारी मिलती है कि इस मंदिर में दिशा क्या है और क्या चीजें उसमें बताई गई है। यानी कि ये मंदिर हमें दिशाओं का ज्ञान भी कराता है। नीलकंठेश्वर मंदिर स्थापत्य के वैभवशाली इतिहास के साथ पुरातत्व का बेहतर समन्वय है। यह मंदिर अपने क्षेत्र का गौरव है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंदिर में पुरातन स्थापत्य की गाथाएं सुनने को मिलेंगी। मोहम्मद इकबाल की एक बात है कि यूनान ओ मिश्र ओ रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इतिहास में दर्ज है कि भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन से ही मंदिरों का विध्वंस और उन्हें लूटने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। बाकी कसर रही तो सेक्युलरिज्म के नाम पर गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाकर हमें अपने स्व से दूर कर दिया गया। वर्षों तक इन सब बातों को झेलने के बावजूद हमारे मंदिर आज भी सर उठाकर खड़े हुए हैं। आक्रमणों से उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर तो सुरक्षित रह गया, लेकिन हमारे आसपास ऐसे कई उदयपुर हैं जो अपने अंदर कोई और नीलकंठेश्वर संभाले हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्थानों पर पहुँचे, हम इन स्थलों के बारे में जानें, उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारियाँ जुटाएं और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएं। आपसे ये भी अनुरोध है कि हम सभी अपनी धरोहरों के प्रति सजग रहें, अपने स्थानीय धरोहरों को जानें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने वैभवशाली भारत की अमर गाथा तैयार करें।